भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमें जात पात को छोड़ना होगा। जाति प्रथा भारत के प्रजातंत्र को एक बड़े खतरे में डाल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पहले भारतीय, बाद में भारतीय और अंततः कुछ भी नहीं, सिर्फ भारतीय ही हो। अरे ताई, ताई क्या हुआ? कसम से वहिनी, जिस पति ने मुझे छोड़ दिया उसे मैंने आज तक कभी याद नहीं किया था, लेकिन जब आज इस घर को छोड़ के जा रहे हैं तब वो याद आ रहा है, क्योंकि वो इसी घर से मुझे ब्याह कर ले गया था। भीम बेटा, तुम घर जाओ और आई को बोलो तुम्हें जल्दी से तैयार कर दे, आज यहाँ का हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम सबको माओ घुमा के लेके आता हूँ, जाओ। किस्मत का खेल भी अजब है, इतने साल गुजारे इस घर में, अब इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। ताई, इतने ही साल का दाना पानी लिखा था हमारा इस घर में, वही नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपके भाऊ कह रहे हैं सरकार दाबोली में रिटायर लोगों के लिए घर दे रही है, देखते हैं। चलता हूँ, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आई आई, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे बाबा के साथ माओ घूमने जाना है। हो गया तैयार, चल भाग। ऐसे कैसे तैयार हो गए? जरा अच्छी तरह से तैयार करो ना। सब कपड़े पेटी में तैयार करके रख दिए, फिर से निकालने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, निकालो ना, अच्छे कपड़े पहनाओ उसे। बाला, आनंद, मंजुला, तुलसा, चलो तुम सबको घुमा के लेके आता हूँ। सबको लेके जाएंगे तो सामान कौन बांधेगा? मैं अकेली, ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
हाँ बाबा, सामान बहुत बिखरा हुआ है, अब भीम को लेकर जाओ, हमें यहाँ काम करने दो। अच्छा ठीक है। हाँ। तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लाना, जलेबी रबड़ी या और कुछ। देखो आज यहाँ का आखिरी दिन है, फिर यहाँ की सिर्फ यादें रहेगी, तुम जो भी मांगो लेके आऊंगा मैं। बस मेरे लिए जलेबी लेता ना बाबा, और मेरे लिए मोतीचूर के लड्डू, और मेरे लिए बर्फी, और मेरे लिए समोसा, और मिठाई तो मैं सब में से खा ही लूंगा। हाँ हाँ, पूरी दुकान मंगवा लो, इन लोगों को बस छूट मिलनी चाहिए। आओ, मेरे लिए भी कुछ लेकर आना। ताई, आज ये जो भी मांगेंगे ना वो सब लेके आऊंगा मैं। बाबा मैं शीशे में देख क्या हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ? जा देख के भाग। मेरे भतीजे को किसी की नजर न लगे। अब भीमा को हमेशा से ऐसे तैयार करके बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि घर से बाहर निकलते ही देखने वाली नजरें पोशाक देखकर तय कर लेती है कि ये बच्चा किस तबके से है, मैं किस समाज से हूं, इस तबके से हो, इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं। लेकिन इस बात का दुख मुझे जरूर होगा कि कोई मेरे बच्चे भीम को जात के नाम पे नीचे दिखाएगा और उनके उस दुर्व्यवहार से उसे तकलीफ होगी, वो दुखी होगा और अपने आप को कम आंकने लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि अपना भीम हीन भावना में जीने के लिए मजबूर हो। बाबा क्या? ये डंडा, ये किताब, ये क्यों ली? बाबा ये मेरी सबसे अच्छी किताब है, अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था। ये किताब मुझे चाहिए। पैसा दे दो बेटा, फिर किताब मिलेगी। इसे किताब नहीं मिठाई मिलेगी, जाओ वही खाओ, वैसे भी किताब पढ़ने की उम्र नहीं तुम्हारी, जाओ। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ किताब तुम्हारी लेके जाओ। बाबा दूसरी ले देंगे ना? सेट। और बाप रे बाला, याद है ना तुम्हें, इस लड़के ने फिर किताब वापस की ही नहीं और नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट इस किताब के बदले चला गया। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? इससे तो बहुत कुछ सीख गया।
ये विज्ञान की किताब है, इसमें लिखा है कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरते है, कोई चीज क्यों भारी होती है और कोई चीज क्यों हल्की होती है, सब लिखा है इसमें। चांदी का लॉकर ये सब सिखाता क्या? जवाब दो, तुम्हारे माँ ने दिया हुआ चांदी का लॉकेट तुम्हारे बेटे को ये सब बताता क्या? आप और आपका बेटा दोनों महान हो। चलिए जाइए, जल्दी से इसको घुमा कर ले आइए। जाओ। चलो बाबा। चलो चलो सामान बांधो, जाओ। भीम, मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा ना और मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मैं अपने आप को गिरवी रखकर भी उसे किताब ला कर दूंगा। ये देखो बेटा, ये चर्च है, यहां गॉड रहते हैं। और ये देखो, ये मस्जिद है। घर में कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ खुदा रहता है। बेटा एक गुरुद्वारा है, वाहेगुरु का स्थान। और ये देखो बेटा, ये मंदिर है। घर में कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ भगवान रहते हैं। चारों चार जगह क्यों रहते हैं? क्योंकि चारों के नाम अलग अलग हैं, भगवान, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, लेकिन ये सब एक है। समझ लो कि ये जो आसमान है ना, उसकी तरह इंसान जमीन बांट सकता है, आसमान नहीं। इसलिए आसमान एक जैसा है, नीला। हाँ, आसमान एक है इसलिए तो इसका रंग एक है। बजाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा, मुझे भी वो जानी है, चलो ना। घंटी बजाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, हम यहाँ से भी घंटी बजा सकते हैं। कैसे? बजाता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लेना और उधर देखना और सोचो कि घंटी तुम्हारे ठीक ऊपर है, हा? और मैं जब बोलूंगा तो घंटी बजा देना, बजाओ। नहीं, बजाओ। अभी नहीं, बजाओ। नहीं अभी नहीं, तैर रहे हो? बजाओ। राम जी वर्षों से हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से हमारी सरकार की सेना में योगदान किया है, जिसके लिए सरकार तहे दिल से राम जी की आभारी रहेगी। और हम सब की तरफ से भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे जब ये रिटायर हो रहे हैं तो इनके लिए ताली क्यों बजाना, और वैसे भी इनके ओहदे का दबाव तो बचा नहीं।
तो समाज के कायदे कानून को अच्छे से मान लिया जाए। तो आप नीचे। भीम, चल ताली बजा। तेरे बाप को ना नौकरी से निकाल दिया है। निकाला नहीं गया, बाबा रिटायर हो रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? चाचा, अब आप ही बताओ ना, इसके बाबा को निकाल दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं? कह सकते हैं रिटायर हो रहे हैं, लेकिन असल में निकाला जा रहा राम जी भाई, तुम्हारे भी यहाँ सब सुना हो जाएगा। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। क्या हुआ भीम, परेशान क्यों? सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप रिटायर नहीं हुए, आपको निकाला गया है, जो सच है? देखो बेटा, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम इस विषय में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें ये सच लगता है कि तुम्हारे बाबा रिटायर हो रहे हैं, तो दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, तुम्हें अपनी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अपने विश्वास से तुम लोगों की सोच बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें जो सही लगे हमेशा वही मानना। ठीक है बाबा। तो चले, आई घर पे हमारी राह देख रही होगी, हमें जाना है ना, चलो। इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नया अवसर आ रहा है रहने के लिए, तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। Thank you.
बाबा हम या फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आऊंगा। तू क्या करने आएगा? अपने घर को नीला नीला रंगने। तो घर रंगने आएगा? यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर चार आऊंगा, वहां से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया।